सुनहरा अखरोट। बहुत दिनों की बात है, किसी गांव में एक लोहार और उसकी पत्नी रहते थे। उन्हें धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं थी, दुख सिर्फ यह था कि इनके कोई संतान नहीं थी। एक रात लोहार की पत्नी ने सपना देखा। उसे एक घने जंगल में एक पेड़ दिखाई दिया जिसकी टहनी फल के बोझ से झुकी हुई थी। इस टहनी पर एक बड़ा सा सुनहरा अखरोट लटक रहा था। जब वो यह सपना बराबर 3 रात तक देखती रही, तब उसने अपने पति से कहा, तुम जंगल में जाओ और मुझे वह सुनहरा अखरोट ला दो। लोहार को इस बात का विश्वास तो नहीं आया, पर वह चल पड़ा। चलते चलते आखिर वह एक घने जंगल के बीच में पहुंच गया। वहां उसे वही पेड़ नजर आया जिसकी टहनी झुकी हुई थी और उस पर सुनहरा अखरोट लटक रहा था। ज्यों ही उसने हाथ बढ़ाकर टहनी से अखरोट तोड़ा, पास से एक गिलहरी क्रोध में भर कर बोल उठी, तुमने यह अखरोट तोड़ने का साहस कैसे किया? वो गिलहरी कोई साधारण गिलहरी नहीं थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और गले में सुनहरे अखरोटों की एक माला थी। जंगल की महारानी, आप मुझसे नाराज मत हो, लोहार ने विनम्रता से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि इसे तोड़ने की मनाही है। मैं इसे अपनी बीमार बीवी को दूंगा। गिलहरी बोली, तुमने सच बात कह दी, इसलिए मैं यह अखरोट तुम्हें उपहार देती हूँ। अपनी पत्नी से कहना कि वह इसका गोदा खाकर खोल रख छोड़े। तुम्हारे घर 2 जुड़वा लड़के होंगे, जब उनकी उम्र 20 साल हो जाए तो उन्हें आधा आधा खोल दे देना। वे दोनों जंगल में चले आए और जहां पेड़ पर हुदहुद की ठक ठक सुने, वहां एक खोल धरती पर फेंक दें। तब उन दोनों के भाग्य का निर्णय हो जाएगा। सफेद गिलहरी ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। लोहार पत्नी के जुड़वा लड़के हुए, लेकिन दोनों रंग रूप में एक दूसरे से काफी भिन्न थे। एक लड़के की आंखें गहरी स्याह थी जबकि दूसरे की भूरी थी। धीरे धीरे दोनों जवान हो गए। दोनों सुंदर और सुडौल थे, लेकिन काली आंखों वाला लड़का स्वभाव से क्रूर और निष्ठुर था और भूरी आंखों